नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। जब अल्लाह पूछेगा रोजे महशर क्या लाया है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे रसूल मोहम्मद की शान में कुर्बान होकर आया है। इस लाइनों के साथ रांची के मुदस्सिर के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। इसी पोस्टर पर कुछ हिंदू भाई जो हैं, जिनकी मानसिकता खराब है या बीमार है, वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। मैंने देखा है, मैं गवाह हूं इस नए भारत का, जो किसी की लाशों पर भी, किसी के देहांत पर भी, किसी के मृत्यु पर भी हंस रहे हैं, मुस्कुराया जाता है। इससे पहले बहुत सारे ऐसे वाकये हुए हैं कि अगर कोई हिंदू अगर मरा है तो मुस्लिम तबके का एक ऐसा वर्ग भी है जो उनकी लाशों पर मुस्कुराया है, और मुस्लिम अगर कोई मरा है तो उस पे हंसने वाले हिंदू भाई भी इसी देश में पाए जाते हैं। इस नफरत के बाजार में हम और आप जैसे लोग हैं जो इंसानियत को पकड़ के चलते हैं। मेरे लिए जो मरने वाला था वो एक इंसान था। जात धर्म पात ये दूसरी भाग पे आता है, पहले इंसानियत जरूरी है मेरे भाई। इस हिंदू मुस्लिम पत्थरबाजी गोलीबाजी के चक्कर में अगर सही में किसी का नुकसान हुआ है तो उस मां का होता है जो 9 महीने कोख में इस बच्चे को पालती है, पैदा करती है, तकलीफों के साथ उसे खिलाती है, पढ़ाती है, बड़ा करती है, इस उम्मीद में कि बड़ा होकर ये हमारे बुजुर्ग का सहारा बनेगा, हमारे वृद्धावस्था का सहारा बनेगा। और अचानक से एक खबर आती है कि आपके बेटे को गोली लग गई और वो मर गया। हम फिलहाल मुदस्सिर के घर पे हैं। मुदस्सिर 16 साल का बच्चा था, जो कल प्रोटेस्ट में उसके वीडियो भी काफी वायरल हुए हैं कि किस प्रकार से वो नारा लगा रहा है और उसके बाद उसको गोली लगती है, वो वहाँ पे गिर जाता है। बच्चा अकेला था, रहा था वहाँ, उतनी भीड़ में पूरा सन्नाटा में केवल मेरा बच्चा अकेला था। क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, किसी का नहीं। मेरे बच्चे का, माँ बाप का इकलौता बच्चा मेरा, मुझे छीन लिया गया, मेरे से छीन लिया गया मेरा बच्चा को। चाहे उसकी जो भी गलती रही हो, पुलिस ने सही किया गलत किया, पत्थरबाजी सही थी गलत थी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सही है गलत है, मंदिर पे पथराव सही है गलत है, ये दूसरी बात है। लेकिन इन सब के चक्कर में पता नहीं ये देश कितनी कुर्बानियां अपने बच्चों की लेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि रांची में जिस 2 बच्चों की हत्याएं हुई हैं पुलिस गोलीबारी में, मुदस्सिर और शकील नाम के, इसके अलावा जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इसके साथ देश भर में जहां पर भी इस पत्थरबाजी के खिलाफ घर तोड़े जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उन सभी को मदद करने के लिए मैं रांची और उत्तर प्रदेश का दौरा करूंगा। अपनी तरफ से जो भी मुमकिन मदद है वो मैं करूंगा। मैं जानता हूं कि उस शहीद हुए बच्चे की जगह तो मैं नहीं ले सकता, उस इकलौते बेटे की लाश की जगह तो मैं नहीं ले सकता, उस बुजुर्ग माँ की कांपते हुए हाथों का सहारा तो नहीं बन सकता, लेकिन जो मेरी हैसियत है उस हिसाब से उसकी मदद जरूर कर सकता हूँ। इस घाव पर एक छोटा सा मरहम ही सही मैं लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। बहुत जल्द अगले कुछ दिनों में मैं रांची पहुंचूंगा और वहां पे इन 2 परिवारों से मिलने की कोशिश करूंगा, जो लोग घायल हैं उनको मिलने की कोशिश करूंगा, और अपनी तरफ से बंद मुट्ठी जो भी मदद हो सके। मैं जानता हूं कि ये उनके शहादत के लिए एक मिट्टी की धूल के कण के बराबर है, लेकिन एक इंसानियत के लिए जरूरी है कि एक बेसहारा हुए माँ के लिए अब हम ही सहारा है। सोचिए, नबी के शान में आंदोलन में उसने अपनी जान गंवा दी, उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। उसे विश्वास था कि पूरा देश, जो कौम है, जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसके अंदर भी इंसानियत होगी वो उसका सहारा रख लेगा। यही विश्वास के साथ उन्होंने आंदोलन में शिरकत की और अपनी जान दी। अभी हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर इस माँ को ये महसूस हो गया कि वो अकेली है, तो कहीं ना कहीं उसकी शहादत को एक दाग लग जाएगा। मैं रांची पहुंच रहा हूं और अपने लोगों के साथ जो भी मदद हो सकती है वो मैं करूंगा। अगर आप भी
रसूल पैगंबर मोहम्मद की शान में शहीद हुए इस परिवारों को मदद करना चाहते हैं। बेहतर ये होगा कि आप खुद जाएं, उस परिवार से मिलें, वहां पर जाके उस माँ के हाथ का आशीर्वाद लें, उसे हिम्मत दें और उसे कहें कि आपका एक बेटा शहीद हुआ है, हम सब आपके साथ हैं। अगर इस मुहिम में आप मदद करना चाहते हैं, उस परिवारों तक ये मदद पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मेरे गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर मदद भेज सकते हैं। रसूल पैगंबर मोहम्मद जी के शान में जिस परिवार ने, ये बच्चे ने अपनी जान दी, आज उस परिवार को संभालने का हमारी जिम्मेदारी है। आप लोग भी आगे आएं, क्योंकि इस समय इस परिवार को हम सबकी जरूरत है। आज अगर हम इस परिवार को सहारा नहीं बन पाए तो कहीं न कहीं इंसानियत के ऊपर एक काला दाग लग जाएगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप सभी से निवेदन है कि आप जितना भी हो सकता है एक दिन के अपने खर्चे में से एक छोटा सा हिस्सा इस शहादत के लिए, इस परिवार के लिए जरूर करें, क्योंकि आप ही और हम अब इनके बेटे हैं, आप ही और हम इनका अब सहारा हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।